पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जय श्री राम। जैसे अभी आपने कहा, ये राम उत्सव, ये रामायण, ये खूबसूरत उत्सव शुरू होगा महिलाओं के ही द्वारा। हम उसको यात्रा करेंगे, कलश यात्रा शुरू होगी हमारे मंदिर से, और इस कलश यात्रा में 251 महिलाएं कलश उठाएंगी और साथ में हमारे करीब 500 और लोग होंगे जो इस यात्रा का साथ में समूह चलेगा। कहते हैं कलश के अंदर गंगा जल के अंदर खूबसूरत से नारियल हो और आम के पत्तों का श्रृंगार और ओढ़ी हुई चुनरी हो, और वो कलश स्वयं में एक भव्य हो जाता है। और इसी भव्यता के साथ शुरुआत होगी और आगमन और उनके तैयारी की शुरुआत होगी हमारे महाराज ओझा जी की, जिनके हम लोग मुख से रामायण का पाठ सुनेंगे। एक रामायण ऐसी जो राम में रम जाए। राम में एक अमृत है, राम ही स्वयं है और राम ही पूरा ज्ञान है इस दुनिया का, इस सृष्टि का, जो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। और जो मुरादाबाद के लिए मैं कहूँगी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज महाराज जी खुद आ रहे हैं हमारे मुरादाबाद की पावन पृथ्वी को पावन करने के लिए और हम सबको ये रामायण सुनने के लिए। आज राम में पूरा विश्व हो चुका है, तो क्यों मुरादाबाद पीछे रहे। इसके लिए डिजाइन को परिवार होम सेल्स का तहे दिल से धन्यवाद पूरी मुरादाबाद जनता करेगी, जबकि योगदान पूरे शहर का है, क्योंकि जब श्रोता होते हैं ना तभी पूर्णता होती है। श्रोता ही अमृत होते हैं, श्रोता ही हर कार्य को, इसलिए मुरादाबाद का हर एक व्यक्ति मूल्यवान है। जब वो आएगा उस गंगा का स्नान करेगा, रामायण की गंगा का स्नान करेगा, उसका अमृत चखेगा अपने कानों से, उसको सुनेगा, तो वो अपने में ही एक उत्सव होगा। इसलिए ये जो भव्यता है, ये जो आज हम लोग करने जा रहे हैं 1 से 9 तारीख तक बुद्धि विहार के मैदान में जो रामायण का उत्सव होने जा रहा है, ये उत्सव मुरादाबाद का ही नहीं, मुरादाबाद के आसपास के सभी, मैं कहूँगी शहरों का है। सब आए और सब महिलाओं का, जैसा आपने कहा ना, जब महिला आती है तो बच्चे आते हैं, बच्चे आते हैं तो पति अपने आप आते हैं, और सास ससुर तो कहाँ छूटेंगे, उनका तो समय ही है सुनने का। आइए हम बच्चों को सुनाएं। मैं आज ये कहूंगी हर माँ से, बच्चों को जरूर लेके आए, युवाओं को जरूर लेके आए जिन्हें रामायण के बारे में पता ही नहीं है। बड़ा अफसोस होता है कि बच्चों ने रामायण सुनी ही नहीं है, तो आज खुद महाराज जी आ रहे हैं हम सबको सुनाने। तो क्यों पीछे रहे युवा, क्यों पीछे रहे एक बच्चा, क्यों नहीं रहे एक माँ, ये एक दृढ़ संकल्प ले है कि मैं जरूर आऊंगी। और समय भी इसीलिए हमने ऐसा रखा है कि नाश्ता खाना करके आइए और प्रसाद खा के जाइए, इसीलिए 3:30 से 7 बजे है। सबके लिए रोज भंडारा होगा, तो रात की चिंता किसी भी महिला करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही स्वादिष्ट भंडारा है, परिवार के साथ भंडारा करके जाइए और अपने आप को और अपने इस 1 से 9 दिन अपने आप को अपॉइंटमेंट दीजिए। आइए राम में हो जाए, राम से मुलाकात करें और महाराज जी से हम रामायण सुने। जय श्री राम। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।